हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को, जहां पे हम डिस्कस करेंगे अगेन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर। स्टार्ट करने से पहले चैट के अंदर एक डाउट चल रहा है। डाउट में 722 एमसीक्यूज के बारे में, कुछ एमसीक्यूज नहीं सॉरी केवीके का डिस्कशन चल रहा है कि केवीके कितने हैं। मैंने काफी बार बोला कि पेपर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा कि 722, 723, 724। नहीं सर, अगर पेपर क्वेश्चन पूछेगा ना, वो इस तरह से कहेगा, या तो 720 प्लस लिखेगा, या फिर 720 लिखा ना, तो एटलीस्ट 730 तक तो जाएगा। पहली बात तो नहीं 740 और 750, उतना गैप उसको देना पड़ेगा। ये वाली बात मैंने काफी बार समझाई, फिर सोचता हूँ बच्चे समझते क्यों नहीं। फिर याद आता है यार, ये तो बच्चे हैं ना, बच्चे तो नादान होते हैं, बड़े हो जाएंगे तो सीख भी जाएंगे। तो ऐसा मत करिए सर, अगर आप पेपर देने वाले और आप लास्ट स्टेज पे ऐसे ऐसे डाउट्स लेके बैठेंगे, तो फिर तो आपको पैटर्न का नहीं पता ना। पेपर कुछ चीजों में, ऑप्शंस में आपको बिल्कुल स्पेस नहीं देगा। स्पेस मतलब कि उसमें डिफरेंसेस नहीं होंगे, और कहीं कहीं बहुत अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो केवीके में वो ये नहीं करेगा 722, 23, 24। नहीं सर, उनको भी पता है कि डेली अपडेट हो जाते हैं ना, हर महीने नया केवीके आ जाता है, तो उतना सफिशियंट गैप देते हैं। मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी कहा था कि 725 के आसपास हम लेके चलिए। चलो, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम। स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, फटाफट से हो जाइए शुरू और करते जाइए आंसर्स। मैं बताता जाऊंगा कुछ कुछ इंपोर्टेंट डेटा आपको, साथ साथ क्वेश्चंस मैंने पहले ही कहा एग्जाम लेवल के पूछूंगा। ये मत कहिएगा कि आसान है या मुश्किल है, एग्जाम लेवल का होगा, है ना। वो सीड कलर का टैग हो सकता है या फिर फार्मर की कैटेगरी हो सकती है। सो बोला गया विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फार्मर्स हैज 4 to 10 हेक्टेयर लैंड। इनमें से कौन से फार्मर्स के पास 4 से 10 हेक्टेयर की जमीन होती है? मार्जिनल, मीडियम, स्मॉल फार्मर, लार्ज फार्मर, या फिर नन ऑफ दीज। क्या लगता है इसका सही उत्तर क्या आएगा? अब तो ये वाली बातें रट चुकी होंगी सब लोगों को। जब सही उत्तर की बात करते हैं, तो मार्जिनल फार्मर वो फार्मर होते हैं जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड होती है। उसके बाद स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 1 to 2 हेक्टेयर लैंड होती है। फिर मीडियम फार्मर्स की बात करें, तो ये वो होते हैं जिनके पास 2 to 4 हेक्टेयर लैंड होती है ना। मैं गलत बोल रहा हूँ, सेमी मीडियम कैटेगरी नहीं है यहाँ पे, है ना। जब बात करें किसकी, मीडियम फार्मर्स की, तो मीडियम वो होते हैं जो 4 to 10 हेक्टेयर वाले होते हैं, 2 to 4 वाले सेमी मीडियम होते हैं, और लार्ज जो होते हैं वो कितने होते हैं, 10 हेक्टेयर से ज्यादा वाले। तो यहाँ पे 4 to 10 पूछा गया था, 4 to 10 के साथ जाएंगे, तो सब लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आएगा मीडियम फार्मर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, आसान सी कैटेगरी है, पेपर में आ जाता है। और ये क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा सर, ये नाबार्ड ARD 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। आपको पता है ना, नाबार्ड का पेपर एक अच्छे लेवल का पेपर माना जाता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट बोला गया कौशल विकास योजना, या फिर कहिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो पीएम कौशल विकास योजना है ना, पीएम कौशल विकास योजना को पहले 2.0 लिखा गया था, अभी जो 2020 से 2021 वाली है उसको 3.0 या फिर 3.0 लिखा जाता है। सो ये जो स्कीम है, ये स्कीम करती क्या है, ये स्कीम पॉवर्टी एलिवेशन पे फोकस करती है। पॉवर्टी एलिवेशन मतलब गरीबी उन्मूलन, गरीबी को खत्म करने की बात ये करती है। सर गरीबी खत्म कैसे होगी? जब लोगों के पास इंडस्ट्री में काम करने के लिए स्किल्स होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्कीम कहती है कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए जब स्किल्स होंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, पॉवर्टी दूर होगी। तो उसी के लिए ये लोग क्या करते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं या फिर सर्टिफाई करते हैं उन लोगों को जो स्कीम के अंडर बेनिफिट ले रहे हैं। तो उनके पास सर्टिफिकेशन होगा, और उसके बाद वो सर्टिफिकेशन से करेंगे इंडस्ट्री में जॉब ले पाएंगे। तो उसी पे ये फोकस करती है। सो यहां पे जो राइट आंसर आया, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये आती है जी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं, मुझे कुछ बातें पसंद नहीं है। वैसे तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज अब ऑडियंस के कारण ही तो सब कुछ है, बट कुछ कुछ बातें मुझे ऐसे पसंद नहीं है। जैसे कुछ लोग ना चैट के अंदर बेवजह बातें, अभी देखो किसी ने लिखा एग्जाम पोस्टपोन, जबकि ऐसा हुआ नहीं है, और हुआ भी है तो अगले 30 मिनट के लिए डिस्कशन मत करो, पढ़ने दीजिए। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं बिकॉज मैं
ऐसे जो कमेंट्स देखता हूँ फिर मैं ये नहीं देखता कौन लिख रहा है मजाक में कि नहीं, जो डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को परमानेंटली उससे चैनल से ब्लॉक कर देता हूँ। अभी जो भाई साहब लिख रहे थे इनको मैंने परमानेंटली चैनल से हटा दिया, जिंदगी में कभी भी कमेंट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, करेंगे इनकी साइड से बट पब्लिकली वो दिखेगा नहीं। तो प्लीज उल्टा सुलटा ना लिखे यार, फोकस रहे जिस काम के लिए अपने आए हैं। आगे चलता हूं, ये आपने बता दिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में आती है कौशल विकास योजना, है ना। कौशल विकास योजना का थोड़ा बताओ, ऐसा लिखा गया मैंने ऑलरेडी बताया, कौशल विकास योजना क्या करती है, आपको सर्टिफिकेट देती है, सर्टिफिकेशन देती है, इंडस्ट्री में काम करने के लिए स्किल्स देती है। तो गरीबी उन्मूलन जो पॉवर्टी एलिवेशन की बात ये करती है, वो इसी तरह से करती है कि जो युवा है उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको सर्टिफिकेशन दिया जाए जिसके बेस पे वो इंडस्ट्री के अंदर जॉब ले सके, जो मिलेगी तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोला गया विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, रियली सॉरी थोड़ा सा चक्कर है यहां पे, है ना। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आप बिना ऑप्शन के भी मुझे बता सकते हैं, बिकॉज ऑप्शन जो है वो इसके पीछे छुप गया है, जब मैं आंसर दिखाऊंगा तो आपको दिख जाएगा। हाल फिलहाल आप मुझे बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मीजर करने के लिए यूज किया जाता है। आपको पता है ऐसे ही आप लोग चल देते हो, अभी हम क्वेश्चन पोस्ट कर रहे थे टेलीग्राम पे, तो एक क्वेश्चन ना विदाउट क्वेश्चन ओनली ऑप्शन के साथ पोस्ट हो गया, क्वेश्चन डाला ही नहीं, वो गलती हो गई है ना, बच्चों ने उस पर भी पोल कर दिए, वो एक मिनट के अंदर 150 आंसर आ गया यार, क्वेश्चन तो है ही नहीं। अब देखो एबीसीडी दिख गया ना, इसी में आंसर करे जा रहे हैं, मैंने अभी तो बोला एबीसीडी नहीं, आंसर ई आएगा उसका यार, आप देखो अब गलत उत्तर कर रहे हो सर, फटाफट देखते ही आंसर यहां पे लैक्टोमीटर आएगा। लैक्टोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, लैक्टोमीटर यूज किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए, राइट। ए नहीं आएगा यार, धक्के से मत किया करो ये सब, लैक्टोमीटर विल बी द राइट आंसर। अब एक काम करो, लैक्टोमीटर की बात करते हैं, तो लैक्टोमीटर जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है, क्या मुझे बता सकते हो मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, क्योंकि पानी की बात करूंगा तो वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी होती है, 1 होती है। मिल्क की बात करेंगे तो स्किम मिल्क की ज्यादा होती है, नॉर्मल मिल्क की कम होती है। अगर दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा आ रही है तो आपका दूध वाला दूध के अंदर पानी मिला रहा है, ऐसा भी हो सकता है। सो बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, 1.08 से 0.032 के बीच मिल्क की क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और अगर उसमें से फैट निकाल लिया गया हो तो 1.036 से 1.038 तक की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मिलेगी। लेकिन ये वाली जो है, ये वाली तो स्किम्ड मिल्क यानी फैट फ्री मिल्क की होती है, नॉर्मली आप जो कंज्यूम करेंगे वो कितनी होगी, 1.08 से 1.032 होगी। लेकिन अगर गर्मी ज्यादा, तो गर्मी में क्या होता है, जो फैट है, जो प्रोटीन कंटेंट है, वो मेल्ट हो जाता है, तो उस केस में भी क्या होगा, आपका दूध ठीक ठाक है, कोई उसमें पानी नहीं डाला गया, लेकिन स्टिल उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की रीडिंग थोड़ी बढ़ के आएगी। क्यों आएगी, बिकॉज वहां पे गर्मी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे मिल्क में फैट परसेंटेज चेक करना है तो कौन सा मीटर यूज करूंगा, ये तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बता रहा है, मुझे फैट ही चेक करना है मिल्क के अंदर कितना है तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि ये चारों जो है इनको किस किस काम के लिए यूज किया जाता है। काजल पांडे ने सबसे पहले उत्तर लिखा है, इम्परफेक्ट आंसर, यस ब्यूटायरोमीटर की बात करेंगे तो ब्यूटायरोमीटर को हम फैट कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, लैक्टोमीटर को स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, एनीमोमीटर, एटमोमीटर, बारोग्राफ, ये सारा कुछ आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, इजी से आइए। एनीमोमीटर की बात करूंगा तो विंड स्पीड या फिर विंड वेलोसिटी या फिर विंड प्रेशर एनीमोमीटर से मेजर किया जाता है। एटमोमीटर जो है वो क्या करता है, सरफेस से, मॉइस्ट सरफेस से कितना इवेपोरेशन हुआ उसके लिए यूज किया जाता है। बैरोग्राफ या बैरोमीटर, है ना, बैरोमीटर जो है वो किसके लिए, एटमोस्फेरिक प्रेशर के लिए। ऑक्सीनोमीटर प्लांट की ग्रोथ चेक करता है, जबकि लैक्टोमीटर तो आपने मुझे पहले ही बता दिया। आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया व्हाट इज द रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ व्हीट विद मीडियम साइज्ड ग्रेन। ये भी मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये भी नाबार्ड के अंदर पूछा गया है। चाह रहा हूं कि 20 ही क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें से एक आधा आपको पेपर के अंदर मिल जाए। और ये भी बता दूं, मैंने एक दिन एक वीडियो के अंदर कहा था कि मैं 1000 क्वेश्चन दे दूंगा अगले 10 दिनों के अंदर, होप्स हो
आप लोग टेलीग्राम चैनल पे हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम एग्री कोचिंग चंडीगढ़ है, वहां पे हम हर दिन सुबह 9 बजे 20 क्वेश्चन डालते हैं, शाम को 6 बजे 20 क्वेश्चन डाले जाते हैं, और दिन के बीच के टाइम में 10-10 क्वेश्चन और डाले जाते हैं। 60 क्वेश्चन डेली हम वहां पे डाल रहे हैं और 20 क्वेश्चन यहां भी आ जाते हैं, तो 80 के आसपास क्वेश्चन हर दिन आपको मिल रहे हैं। और क्वेश्चन पेपर के लेवल क्या, तो अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। मिल रहे हैं सब लोग, अटेम्प्ट कर रहे होंगे आप लोग, यस और नो? हाँ, ऑफकोर्स आप अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा ये सब लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग 100 kg के साथ जा रहे हैं। अगर आप 100 बोलना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इस वर्ड पे फोकस कर ले, ये वर्ड हटा दूंगा तो शायद 100 सही हो जाएगा, लेकिन अगर ये है तो आंसर आपको घटाना पड़ेगा, बिकॉज जनरल जो हमने सीड रेट पढ़ा है या तो वो 100 केजी पढ़ा होगा या फिर 100-120 पढ़ा है, लेकिन वो जनरल सीड रेट है ना, ये तो मीडियम साइज की बात कर रहा है, और मीडियम साइज में घट जाएगा सीड रेट। आंसर क्या आ जाएगा? 80 kg पर हेक्टेयर यहां पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, आगे चलेंगे। ए इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया विच अमंग द फॉलोइंग एयर ब्रीदिंग फिशेस हैज हाईएस्ट डिमांड इन द मार्केट। आंसर बाद में बताइएगा, यस और नो लिख के बताओ। ये तो आप लोगों ने रट्टा मारा हुआ, अच्छी बात है, पता होना चाहिए। यस और नो लिख के बताओ, क्या आपको एयर ब्रीदिंग फिश होती क्या है इसके बारे में पता है? पता है तो नहीं बताऊंगा, और नहीं पता तो बता दूंगा। एयर ब्रीदिंग फिश का मतलब क्या होता है? डू यू नो? यस और नो? अच्छा ठीक है ना, नो लिख रहे हैं, बता देता हूं। कौन सी एयर ब्रीदिंग फिश की हाईएस्ट डिमांड है मार्केट के अंदर? पहले आंसर आप बताइए। यहां पे ऑप्शन बताता हूं। इस ऑप्शन के अंदर है जी शैना स्ट्रेटस, या फिर स्ट्रिप्ड मुरैल कहा जाता है जिसे, उसके बाद अगर शैना पंचुएशियस जिसे स्पॉटेड मुरैल कहा जाता है, शैना मरलिस या फिर जायंट मुरैल जिसे कह देते हैं, क्लैरियस बेट्रो जिसे मगुर कह दिया जाता है, और हेट्रोपेस्टस फॉसिल्स जिसे सिंघी के नाम से जानते हैं, कौन सी है इनमें से? ये तो देखो आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि डिमांड की जब बात करते हैं, वैसे ऑप्शन पांचों ही जो दिए गए हैं ये एयर ब्रीदिंग फिश है, पांचों की पांचों, ये भी ध्यान रख लेना, सिर्फ आंसर के साथ मत जाइएगा, ओवरऑल पांचों याद रखिएगा। ये पांचों जो ऑप्शन के अंदर है ये एयर ब्रीदिंग फिश है। ये एयर ब्रीदिंग फिश का मतलब क्या होता है, देखो बताता हूं। आपने यूट्रोफिकेशन वर्ड सुना हुआ है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जब ज्यादा फर्टिलाइजर के यूज करने से सरफेस के ऊपर हमारे पानी में एल्गी आ जाती है। देखा होगा आपने, पानी जहां खड़ा होता है उसके ऊपर एल्गल ब्लूम हो जाती है, बहुत सारी एल्गी आ जाती है, जिससे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और यूट्रोफिकेशन होने से पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, मतलब वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है, और उससे मछलियां मर जाती हैं, मतलब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है। अब ऐसा तो होता है क्यों? क्योंकि जो मछलियां हैं, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है ना, वो ऑक्सीजन तो लेते हैं, लेकिन वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना वही लेते हैं। लेकिन सेम टाइम पे ये वाटर वाली ऑक्सीजन नहीं, इनके लिए तो बोला गया ये कैसी फिशेज है, ये एयर ब्रीदिंग फिशेज है, तो इनके अंदर जो इनका एयर ब्रीदिंग या फिर ब्रीदिंग के लिए जो ऑर्गन है वो तो अलग अलग में मॉडिफाइड हो सकते हैं, लेकिन ये क्या करेंगी, ये वाटर के अंदर वाली ऑक्सीजन का ना लेके एयर जो है आपकी हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको लेती है, लेने के लिए अलग अलग मॉडिफिकेशन इनके पास है। तो जब बात करेंगे किसकी, जब बात करेंगे आपके एयर ब्रीदिंग की, तो एयर ब्रीदिंग के अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। स्ट्रिप्ड मुरैल या शैना स्ट्रेटस जो है इसकी मैक्सिमम डिमांड है। इसके अलावा अगर बोलूंगा तो मिल्क फिश का नाम आपने सुना होगा, कैट फिश का नाम आपने सुना होगा, और आपका जो रोहू मृगल और कटला है, इन सब की अच्छी खासी डिमांड है इंडियन मार्केट के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? आफ्टर इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2%। खैर ये क्वेश्चन रिपीट तो बहुत बार हो गया, लेकिन ये पेपर के अंदर भी रिपीट हो जाएगा। बोला आफ्टर इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% फार्मर हैव टू पे हाउ मच लोन ऑन 3 lakhs अमाउंट। 3 lakh तक के अमाउंट पे, देखो एक बात बता दूं मैं फिर से, क्वेश्चन किस तरह से घुमाए जाते हैं, पूछना वही है, आंसर वही है, लेकिन घुमाएगा। बोला 3 lakh तक पे कितना देना पड़ेगा और क्यों घुमा रहा है, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और ए ऑप्शन को जाके फटाफट से टिक कर दे, जैसे यहां पे 10% लोगों ने कर दिया है। लेकिन 10% लोग गलत जा रहे हैं सर, 4% नहीं देना पड़ेगा यार। पता है कैसे?
समझिएगा, जैसे मैं बोलूंगी आज क्लास हो रही है, यस और नो, आप बोलेंगे यस बिकॉज कंफर्म है। मैं बोलू कल क्लास होगी तो आश्वासन तो हो सकता है इस बात का कि होगी, लेकिन गारंटी नहीं है। हो सकता है आप अवेलेबल ना हो सकता है मैं अवेलेबल ना हो सकता है इंटरनेट ना हो, कुछ भी इशू आ सकते हैं ना। तो कल की गारंटी दी जा सकती है क्या? नहीं दी जा सकती। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आपने जब लोन लिया बैंक से तो बैंक कहता है कि 2% का सबवेंशन मिल गया, तो 9 में से 2 को माइनस किया 7% देना पड़ेगा। आपने बोला कि सर मैं तो 3 लाख तक का ही ले रहा हूं और टाइमली देके जाऊं, तो 4% का ही ले लो। बैंक बोलेगा हमें नहीं पता ना, अगर आप टाइमली देने चले जाओगे तो वो इस पे 3% की छूट देके आपको 4% ही पे करना पड़ेगा। लेकिन इनिशियली जब लोगे ना सर, तो पॉलिसी 4% की बातें नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपका पता नहीं है ना टाइम पे दोगे कि नहीं दोगे। तो इसीलिए इंटरेस्ट सबवेंशन 2% का देने के बाद आपको जो पे करना पड़ता है वो 7% करना पड़ता है। अंकिता और पवार अभी जी, आप 5% वाली नई कैलकुलेशन मत लेके आइए। सब लोगों को बता दूं बहुत ही सिंपल ये स्कीम है इंटरेस्ट सबवेंशन की। पहले 9% था, 2% का सबवेंशन मिला तो 7% देना पड़ता था। 3 लाख तक का अगर टाइमली दे देंगे वापस 1 साल के अंदर तो 3% का एक्स्ट्रा सबवेंशन मिल जाता है, 4% आपको देना पड़ता है। तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कितनी है? 7% की। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अगर 1 साल में दे देंगे तो 4% हो जाती है। इंटरेस्ट सबवेंशन कितना मिलता है? 2% का। अगर वो बोलेंगे 1 साल के अंदर जमा भी कर दिया अब कितना मिलेगा सबवेंशन, तो 5% का, बिकॉज 2% का सबवेंशन ये रहा, 3% का ये रहा। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ जाइएगा, जिस तरह की लैंग्वेज उस तरह का आपका उत्तर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मतलब विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड गोबर धन स्कीम। भाई साहब गोबर से धन निकालना है तो ये गोबर धन जो स्कीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई है? क्या लगता है सही उत्तर क्या आएगा? राइट आंसर की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राइट आंसर क्या आएगा? मिनिस्ट्रीज को भी याद रखना पड़ेगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, आप लोग बिल्कुल सही हैं, सारे लोग एक के साथ जा रहे हैं। गोबर धन, कहीं ना कहीं गोबर की बात आ रही तो साफ सफाई वाली साइड जाना ही चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन जो है इस स्कीम को इंप्लीमेंट करता है। बाकी स्कीम्स के रिलेटेड करंट अफेयर्स के जो डाउट होगा एक बार करंट अफेयर्स की बुक को पढ़िएगा, होप्स आप लोगों के पास होगी, उसमें सब जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो हमने दिया हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। कोई टैलेंट हब है और कहते हैं सर प्लीज प्रोवाइड लास्ट मिनट नोट्स फ्री फॉर ऑल। सर आप तो फ्री कह रहे हैं, आपको पता है मैं मेरे पेड स्टूडेंट को डाउनलोड ऑप्शन नहीं देने वाला हूं, खुलेगा सिर्फ ऐप के अंदर, वो डाउनलोड भी नहीं होगा विद इन, मैं वो भी ऑप्शन हटाने वाला हूं। सर समझ के देखिएगा, मेरे लास्ट मिनट नोट्स में से ज्यादा नहीं बोलूंगा, दो भी क्वेश्चन आए तो फिर फायदा ही क्या हुआ इफ आई एम गिविंग फ्री टू ऑल। फिर तो कट ऑफ के अंदर मैंने 2 नंबर का इंक्रीमेंट डाल दिया बस। समझ के देखिएगा सर, सबको देना और सबको ना देना फिर तो बात बराबर ही है, फिर तो दो ही, मत टेंशन ही खत्म, आराम से रिलैक्स हो, कम पढ़ के जाओ। तो सबको नहीं दिया जा सकता सर, थोड़ा सा समझे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRLM? है ना, ये आपने कुछ इस तरह से DAY NRLM के नाम से स्कीम पढ़ी होगी। ABCD क्या लगता है यहां पे सही उत्तर क्या आएगा? समझदार लोग हैं, जल्दबाजी में आंसर नहीं कर रहे हैं लग रहा है, क्योंकि इसमें भी आप गलत उत्तर कर सकते हैं, आप जनरली फटाफट से करते हो, लेकिन ये प्रैक्टिस है आप लोगों की कि अब आप सही क्वेश्चन को आंसर को पकड़ ले रहे हैं। मिलते जुलते से ऑप्शन है, लेकिन जो राइट आंसर है वो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। आई होप सो इसके बारे में भी आपने सुना होगा। क्यों सुना होगा? क्योंकि जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, है ना। तो ये करता क्या है, ये जो मिशन है ना, एक फ्लैगशिप स्कीम है हमारी गवर्नमेंट की। ये भी पॉवर्टी रिडक्शन की बात ही करता है, पॉवर्टी एलिवेशन नहीं,
एलिशन मतलब उन्मूलन कर देना, रिडक्शन मतलब पॉवर्टी को क्या करना, पॉवर्टी को कम करना। तो पॉवर्टी रिडक्शन की बात ये करता है किसके लिए, पुअर के लिए, और पुअर के साथ साथ फोकस करता है किस पे, वुमेन्स पे, और ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स को आगे लेके आता है जो उनको क्या कर सके, लाइवलीहुड के लिए कुछ उसे ट्रेनिंग दे सके, कुछ स्किल सेट दे सके, या फिर डायरेक्टली रोजगार दिया जा सके। NRLM की फुल फॉर्म आपने बता दी मुझे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला गया, विच द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम मूगा सिल्क, इनमें से कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम मूगा सिल्क प्रोड्यूस करता है। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन ये था कि कौन सा गोल्डन ट्रेजर ऑफ डैश डैश के नाम से जाना जाता है। सो गोल्डन ट्रेजर ऑफ एक स्टेट का नाम था और उत्तर उसका मूगा था। अब की बार क्वेश्चन घुमा दिया गया, बोला मूगा जो है मैक्सिमम कहां प्रोड्यूस होता है, तो गोल्डन ट्रेजर ऑफ आसाम था ना, तो आसाम की बात करेंगे, तो आसाम जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा मूगा सिल्क को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं झारखंड कौन से वाले सिल्क के लिए फेमस है? जैसे आसाम को तो आपने फेमस कर दिया, बोला सुबह सुबह उठेंगे सर, AM होता है सुबह सुबह, AM का मतलब हो गया जी, A का मतलब आसाम, और M का मतलब हो गया मूगा। लेकिन झारखंड की बात करेंगे तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, झारखंड वाले केस में आपको क्या बोलना पड़ेगा, यहाँ पे आपको तसर या टसर बोलेंगे, उसका नाम लेना पड़ेगा, झारखंड उसके लिए फेमस है। अच्छा, एक बात बता दो, अगर मैं ये बोलूं कि कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन करता है, तो फिर कौन सा नाम लिखना चाहेंगे? ये वो स्टेट है जिसे FYM के प्रोडक्शन के अंदर भी ज्यादा जाना जाता है। खैर, FYM में कोई करंट डेटा तो नहीं है, लेकिन एक स्टैटिक डेटा जो अवेलेबल है वो यही कहता है कि ये जो स्टेट है ये ज्यादा प्रोड्यूस करता है FYM को। और साथ साथ आपने मुझे बता दिया है कि सिल्क के अंदर भी इसका रैंक नंबर 1 आता है। तो FYM मतलब फार्म एंड मैन्योर, और आपका सिल्क सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन कर रहा है जी? कर्नाटका प्रोड्यूस करता है। लेकिन ओवरऑल सिल्क की बात नहीं की गई, बात की गई थी मूगा सिल्क की। मूगा सिल्क का लगभग लगभग सारा प्रोडक्शन, लगभग 80% के आसपास प्रोडक्शन जो है वो आसाम में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। गोल्डन कलर का ये होता है, गोल्डन ट्रेजर इसे कह दिया जाता है। बाकी करंट वाले नोट्स में काफी कुछ ऐड है, वहां पे भी देखिएगा। नेक्स्ट वाला गया सुसेक्स। सुसेक्स जो है ये वर्ल्ड फेमस ब्रीड है। सर कितनी फेमस है? भाई देखो, वर्ल्ड में फेमस है, मैं तो इंडिया में रहता हूं। सो ये वर्ल्ड फेमस ब्रीड जो है ना, ये किसकी ब्रीड है? काऊ की, पोल्ट्री की, भैंस की, हॉर्स की, या फिर गोट की? मेरे हिंदी शब्दों पे हंसते तो नहीं है ना आप यार? ऐसा मत कहना कि सर को भैंस की इंग्लिश नहीं आती है। तैसे अक्षर काले रंग का था तो मैंने फिर काला अक्षर भैंस बराबर समझ लिया। ओके, तो ठीक है जी, सुसेक्स की बात करेंगे ना, तो ब्रिटिश ब्रीड ये है, और ब्रिटिश के साथ साथ डुअल पर्पस ब्रीड है, डबल सिम वाली है ये। डबल सिम मतलब कैसे? डबल सिम का मतलब यार समझिए, मजाक कर रहा हूं ना, इससे क्या होगा, एग के लिए भी रियर किया जाएगा, और साथ साथ इसे रियर किया जाएगा किसके लिए, इसे रियर किया जाएगा एग के साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ 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 मिल्क के लिए पालो पालो, अरे मिल्क नहीं मेरे भाई, एग और मीट प्रोडक्शन के लिए यार। कुछ भी मतलब, लकीर के फकीर जहां चला दो वहीं चल जाते हो, तो मुर्गी कब से दूध देने लगी यार, है ना? तो अंडा और मीट उत्पादन के लिए डुअल पर्पस के लिए सुसेक्स को पाला जाता है। ब्रिटिश ब्रीड ये है, डुअल पर्पस के नाम से फेमस है। आगे चलते हैं, राइट आंसर आपने मुझे बता ही दिया, पोल्ट्री की ब्रीड। आगे चलता हूं, नेक्स्ट वाला गया, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड इज इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। ये नहीं पूछूंगा यार, बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर आ सकता है पेपर में, इसलिए यहां पे डाला गया। आगे चलता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन फॉर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन फॉर कैश्यू नट। कौन सा स्टेट है जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन फॉर कैश्यू नट के लिए जाना जाता है? अगर आपको याद हो तो ये हमने एक सेशन के अंदर, शायद यही वाले सेशन थे, वहां पर डिस्कस किया था। क्या लगता है राइट आंसर क्या आएगा? ओके, सब लोगों ने यार फटाफट से बता दिया, सब लोग मतलब एकदम रेडी हैं पेपर के लिए, अब लग रहा है ना। इसका भी सही उत्तर बता रहे हैं आप, तमिलनाडु के अंदर है। बाकी डिटेल आपको जो टेबल है वो नोट्स में दी गई है, आपने पढ़ी होगी पहले से। नेक्स्ट चलते हैं, बोला गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा। प्लीज गलत मत करिएगा, आपको सबको पता है, आराम से ऑप्शंस को देखिएगा और सही आंसर बताइएगा मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है। जब तक आप सही आंसर लिखे मैं आपको बता दूं, मुद्रा जो है अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है ना, एक एजेंसी है जो खुद लोन नहीं देता है।
आप बोलेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं, लोन तो देता है, हमने तो लिमिट भी पढ़ी हुई है। देखो लिमिट आपने पढ़ रखी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन लोन मिलता है मुद्रा के अंडर में। मुद्रा इज अ कंपोनेंट, मुद्रा इज अ स्कीम, मुद्रा इज अ इंस्टीट्यूशन, लेकिन ये एनेबल करता है बाकी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को कि आप मुद्रा के अंडर में क्या कर सको, लोन दे सको। राइट आंसर की बात करें तो सी और डी की मिक्सिंग चल रही है। माइक्रो यूनिट डेवलपिंग एंड रीफाइनेंस एजेंसी एंड माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, पंगा है जी, आईएनजी आएगा कि नहीं आएगा, क्या लगता है सी और डी? बस यही तो बातें हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा करें। आंसर जो है वो मेरे नाम के साथ जाना चाहिए, मतलब डी के साथ, है ना। सो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है, एक इंस्टीट्यूट है, एनेबल करता है, लिमिट्स हमने डिस्कस की हुई है पहले से, लेकिन ये ध्यान रखना मुद्रा खुद लोन नहीं देता, ये लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, आरआरबी है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, इनके थ्रू लोन देता है, लेकिन लिमिट जो है वो मुद्रा के अंडर में ही है, लोन मुद्रा के अंडर में कंसीडर होता है, लेकिन डायरेक्ट मुद्रा जो है वो लोन नहीं देता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या था, रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर, जो आरआरबी वाला एक्ट था भाई साहब, ये कौन से साल के अंदर आया था? रीजनल रूरल बैंक एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर, 1973, 74, 75, 76 और 77? ओके, तो राइट आंसर की बात करते हैं, बीसीडी चल रहा है, कोई 1974 लिख रहा है, कोई 5 लिख रहा है, कोई 76 लिख रहा है, ए और ई कोई नहीं लिख रहा, मेजोरिटी कहीं नहीं जा रही है, मेजोरिटी इन बिटवीन ही है, सही, मतलब एक तरफा तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। देखो 1973 तो नहीं आएगा और 1977 भी नहीं आएगा, आरआरबी जो थे वो 1975 में आए थे। आपको भी पता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट या कुछ भी बनता है तो एक्ट तो उससे पहले ही आता है ना यार, लॉजिकल सी बात है ना। नबार्ड 1982 में आया था, तो नबार्ड एक्ट 1981 में आ गया, तो आरआरबी की बात करते हैं। फर्स्ट जो आरआरबी था ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथमा बैंक के नाम से 2 अक्टूबर 1975 को एस्टेब्लिश किया गया था। तो फटाफट से राइट आंसर बता दो, आंसर क्या आएगा, बी सी या फिर डी, क्योंकि ए और ई तो मैंने गलत बोल दिया। अब आपने कहा कि ओबीसी बात है, एक साल पहले ही तो आया होगा सर, 1974 उत्तर आएगा, बट 1974 गलत है। क्यों? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी आने से पहले उसके एक्ट को लाया जाता है, लेकिन इस केस में गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी से आरआरबी को एस्टेब्लिश कर दिया था और एक्ट को उसके बाद लाया गया था, तो ये एक्सेप्शन है सर, बाकियों का एक्सेप्शन है, ये एक्ट जो था उसको बाद में लाया गया, जबकि जो खुद था वो पहले आ गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या आएगा, सही उत्तर विल बी 1976, जनरली 4 ही होना चाहिए था, बट ये एक्सेप्शन है सर। आगे चलता, नबार्ड एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है, नबार्ड एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर, राइट आंसर क्या आएगा? ओके, तो इनवेडर, यार एक तो यूट्यूब पे खतरनाक नाम क्यों लिखते हैं आप लोग यार, मतलब वो एक चलो टैलेंट हब तो ठीक सा नाम था, है ना, इनवेडर, कोई गोल्डन, कोई पता नहीं क्या गेम प्ले, है ना, प्ले जोन, पता नहीं ऐसे, अपना नाम क्यों नहीं रखते हो यार, अपना आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ना। हाँ मतलब कहीं उल्टे पुल्टे कमेंट करने तो फिर हो सकता है कुछ अलग नाम से आईडी बनानी पड़े, वरना अपना नाम लिखो ना यार। ये देखिए, ओम जय महाकाल, आपको तो कुछ नहीं कहूंगा सर, है ना, आपने ऊपर वाले का नाम जोड़ा हुआ है। ओके, राइट आंसर की बात करते हैं, येलो पीपल कह रहे हैं क्या यार, तेरा नाम भी येलो पीपल है, देखो उल्टे उल्टे नाम है, क्या बोले, येलो पीपल कहते हैं, कैन आई परचेज योर एफओ कोर्स इफ आई एम इन थर्ड ईयर? सर कोर्स परचेज करना और ना करना आपकी आपका डिसीजन है, लेकिन थर्ड ईयर में जो लोग है ना, परफेक्ट टाइम है पढ़ाई करने का, फोर्थ ईयर में लेट हो जाता है सर। आजकल तो लोग सेकंड ईयर यानी थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई शुरू कीजिए, अपने आप कर पाओ तो बेस्ट है, और लगे हमारी जरूरत है तो बिल्कुल कोर्स लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट आंसर की बात करेंगे, नबार्ड एक्ट तो आपको बता ही दिया था, 1982 में नबार्ड आया था, और नबार्ड जो एक्ट है वो 1981 के अंदर आया था, शिवारमन कमेटी या फिर क्रैफी कार्ड कमेटी थी जिसने क्या किया था, रिकमेंड किया था नबार्ड के एस्टेब्लिशमेंट को। नबार्ड क्या करता है, एग्रीकल्चर और रूरल दोनों सेक्टर का डेवलपमेंट करता है, रीफाइनेंसिंग इसका मेजर काम है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, बोला व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन कैन बी अवेल अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीट by FPC
फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो वेयर हाउस की रिसीट, एक तो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट होती है, नेगोशिएबल वाले की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट जो है वो कितने का लोन ले सकता है, 1 करोड़ का, 75 लाख का, 50 लाख का, 40 लाख का, 25 लाख का। आंसर जो यहां मुझे मिल रहा है, ए कुछ लोग कह रहे हैं, बी भी कुछ लोग कह रहे हैं, सी भी कुछ लोग कह रहे हैं, ई भी कुछ लोग कह रहे हैं, डी बचा है, क्या कोई डी भी कह रहा है? नहीं, डी नहीं बोल रहे, 40 लाख तो नहीं बोला जा रहा, चलो डी तो निकल गया, बट बाकी तो आप सब बोल रहे हैं यार, मेजोरिटी कहीं पे जाएगी क्या? मेजोरिटी 1 करोड़ और 75 लाख को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, है ना, 40 वाले भी हैं। चलो मुझे बताना पड़ेगा सर, लिमिट्स करंट अफेयर्स की बुक में दी हुई है, एंड यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा, राइट आंसर विल बी सी। एक बार बुक में देखिएगा, आरबीआई के नॉर्म्स वहां पे एडेड है। नेक्स्ट बोल आ गया, व्हाट इज द लोन लिमिट पर बोरोइंग एंटिटी टू एफपीओ एफपीसीसी एफपीसी undertaking farming with assured marketing of their produce at predetermined price. ध्यान से क्वेश्चन समझिए फिर आंसर करना। लोन लिमिट की बात कर रहे हैं पर बोरोइंग एंटिटी, एंटिटी कौन है, या तो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कंपनी है। अंडरटेकिंग फार्मिंग एक्टिविटी, एफपीओ जो है वो फार्मिंग एक्टिविटी कर रहा है, और assured marketing of produce है at predetermined price, इतना तो मुझे मेरे प्रोडक्ट के लिए पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो उसके लिए लिमिट कितनी है लोन की, 5 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख, 40 लाख, या फिर 25 लाख। एफपीओ है, बड़े अमाउंट की बात कीजिएगा, 50-50 लाख मुझे नहीं लगता, क्यों, इसको 50 लाख दोगे, अभी तो पीछे तुम 75 लाख की 50 लाख की बातें तो कर के आए हो, तो यहाँ पे थोड़ा अमाउंट बड़ा करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। ये भी लग रहा है कि आपने नॉर्म्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं, इसीलिए जहां पे मेजोरिटी चल रही थी पहले वाले क्वेश्चंस में, यहां मेजोरिटी फीकी पड़ गई आप लोगों की, है ना। एक बार ईमानदारी से बताओ, जहां से भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसके अच्छे वहां से अटेम्प्ट कीजिए, क्या ऐसा हो रहा है मॉक टेस्ट के अंदर के 60 में से नंबर जितने एक्सपेक्टेड है उससे कम आ रहे हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार ही गलत हो जा रहे हैं, हर बार ही गलत हो जा रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है क्या कि वो सेम कैटेगरी है सर, वहां से क्वेश्चन आता है और हर बार गलत हो जाता है? एक बार येस और नो लिखना, कैसा हो रहा है। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप पहले येस लिखेंगे तब बोलूंगा, नहीं हो रहा तो फिर अच्छी बात है ना। हाँ, ऐसा हो रहा है तो इसका रीजन ये है कि आप पिछले 5 टेस्ट को एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं। मैंने पब्लिक चैनल में ही डाला था, पिछले 5 टेस्ट को उठाइए, उसे एनालाइज कीजिए, और एनालाइज करने के बाद देखिए कौन सा पोर्शन है जो कॉमन है हर किसी के, इसमें कुछ नए क्वेश्चन रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉमन पोर्शन ऐसा कौन सा है जो आपसे गलत होता जा रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए ना यार। टेस्ट आप कहां से दे रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मेरे टेस्ट एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के टेस्ट दे रहे हो ना, तो 60 में से अगर आपके पास 35 एवरेज स्कोर है ना, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, इस बात की गारंटी दे सकता हूं। कभी कभी टेस्ट में 32 नंबर भी आ सकते हैं, और कभी कभी 40 नंबर भी आ सकते हैं। एवरेज 35 का स्कोर मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि स्कोर से फर्क नहीं पड़ता, पेपर का लेवल कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, अगर आप टॉपर्स हैं तो 40-45 से ऊपर ले जाएंगे, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट जो है, बहुत अच्छा नहीं, अच्छा स्टूडेंट जो क्वालिफाई होगा, तो 35 का एवरेज स्कोर इस टाइम पे मेंटेन करेगा। लेकिन जहां पे वीक पड़ रहे हैं ना, उस पोर्शन को आइडेंटिफाई करो, जैसे मैंने आपको करवा दिया है, क्योंकि इसका उत्तर जो आएगा सर, ये 5 करोड़ आएगा। एक बार के लिए प्लीज करंट अफेयर्स में से नॉर्म्स को देख लीजिएगा, बुक में एग्जैक्ट जो करंट नॉर्म्स है आरबीआई के वो हमने डाले हुए हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पडलिंग ऑन बल्क डेंसिटी, देखो ये आप एकदम से बता दोगे, क्यों, क्योंकि इसको प्रैक्टिस कर करके आप लोगों ने क्लियर कर लिया है, तो पडलिंग का बल्क डेंसिटी पे क्या इफेक्ट हो, क्या ये सेम रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी, या फिर पहले घटेगी फिर बढ़ जाएगी, या फिर नन ऑफ दीज। अब देखना मेजोरिटी एक साथ चलेगी, क्यों, क्योंकि मेजोरिटी ने ये वाला पार्ट रिवाइज करा है। एज आई यूज टू से कि एक किताब को 10 बार पढ़ो बजाय 10 किताबों को एक बार पढ़ने के, तो ये एक चीज है जो तुमने 10 बार पढ़ी हुई है, तो देख लो पिछले 2 क्वेश्चन में जहां पे सब लोग फंस गए थे, अब उतने नहीं फंस रहे हैं। हालांकि अब भी ऐसा ही चल रहा है, थोड़े से लोग ये वाला आंसर और थोड़े से ये वाला आंसर दे रहे हैं, बट चलो बहुत सारे ऑप्शन तो चूज नहीं कर रहे हो, या तो बी बोल रहे हो या फिर सी बोल रहे हो। देखिए सर,
अगर आप टिलेज करते हो तो टिलेज करने से क्या होता है, बल्क डेंसिटी घट जाती है, बट पडलिंग इज एन एक्सेप्शन। पडलिंग मिट्टी और पानी को मिक्स कर देता है और मिट्टी और पानी के मिक्स हो जाने से क्या होता है, एयर स्पेस कम हो जाता है और एयर स्पेस कम होते ही पडलिंग होने के बाद जो बल्क डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक मैटर डालोगे तो घट जाएगी, बल्क डेंसिटी जो है ऑर्गेनिक मैटर डालने से घट जाती है, टिलेज करने से घट जाती है, बट इरिगेशन करने से बढ़ती है, मिट्टी कॉम्पैक्ट होने से बढ़ती है, सरफेस लेयर की बल्क डेंसिटी कम होती है, सब सरफेस की बल्क डेंसिटी ज्यादा होती है, ग्रेनुलर और क्रम्बी स्ट्रक्चर के अंदर बल्क डेंसिटी अच्छी मिलेगी आपको, प्लेटी या फिर ब्लॉकी स्ट्रक्चर मिल गया तो बल्क डेंसिटी बढ़ जाएगी, सैंडी की बल्क डेंसिटी ज्यादा होती है, क्ले की बल्क डेंसिटी कम होती है। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बल्क डेंसिटी जो है वो कम होनी चाहिए। ऑन एन एवरेज नॉर्मल सोइल की जो बल्क डेंसिटी होती है 1.33 होती है, रॉक्स की जो बल्क डेंसिटी है वो 2.65 होती है। सबसे कम जो बल्क डेंसिटी है वो आपको कहां मिलेगी, क्ले के अंदर। लेकिन लोमी सोइल के अंदर एक एवरेज जो बल्क डेंसिटी है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया ब्लू कॉम्ब जो पोल्ट्री की डिजीज है, ब्लू कॉम्ब ऑफ पोल्ट्री इज अ टाइप ऑफ डिजीज है ना, किस टाइप की ये डिजीज है, क्या ये वायरल है, फंगल है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोअन है या फिर कुछ और है। ओके, सो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहां पे आंसर डी भी लिख रहे हैं कुछ लोग यार, प्रोटोजोन, बट हाँ ठीक है, सही चल रहे हैं, मैक्सिमम लोग वायरल के साथ जा रहे हैं। ब्लू कॉम्ब की बात करेंगे तो वायरल डिजीज है, क्या आप मुझे डिजीज का नेम लिख के बता सकते हो, पोल्ट्री सेक्टर के अंदर कौन सी डिजीज है वायरल डिजीज जो सबसे सीरियस है, सबसे घातक है, सबसे खतरनाक है, जिसकी वैक्सीन भी आप लोगों को पता है, मैं अगले क्वेश्चन पूछने वाला हूं, बट पहले आप मुझे पोल्ट्री की वायरल जो डिजीज है, जो सीरियस डिजीज, उसका नाम बता दीजिए। बिल्कुल सब लोगों ने सही लिख दिया है, सबसे पहले उत्तर लिखा है किन्होंने, आप है वैष्णवी, वैष्णवी ने रानीखेत सबसे पहले बोल दिया है, रानीखेत को न्यू कैसल के नाम से भी जाना जाता है। अब मुझे बता दो विच अमंग द फॉलोइंग वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट रानीखेत डिजीज, रानीखेत डिजीज के अगेंस्ट आपके लिए, आपके लिए नहीं मतलब जिनको रानीखेत होता है ना पोल्ट्री को, उनके लिए जो वैक्सीन है वो कौन सी है, आईबीडी, रक्षा, लसोटा, आईवी या फिर इनमें से कोई नहीं, मुझे पता है इसका आप राइट आंसर बताएंगे। अब खुद से पूछ के देख लीजिएगा कि आरबीआई के बार आरबीआई के टाइम सही आंसर नहीं आया और अब सही आंसर आया, क्वेश्चन ये भी नया है, क्वेश्चन वो भी नया है, लेकिन हैंस प्रूव्ड, ये तुमने 10 बार रिवाइज करा है उसको करा नहीं है, इसलिए वी को तो नंबर कम आ रहे हो और नर्वस हो रहे हो, तो इसका रीजन है रिविजन नहीं हुआ। 25 की आज 25 की नाइट आपके पास है, 26 27 28 29, बड़े आराम से स्कोर को इंप्रूव किया जा सकता है, खुद पे विश्वास करो, नर्वसनेस को साथ मत लेके जाना, वो परफॉर्मेंस खराब करेगा। अच्छे अच्छे लोग नर्वस होते हैं ना, कितने सारे बड़े क्लोज स्टूडेंट हैं जिनको मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूं, वो भी नर्वस होते हैं, लेकिन बात ये कि नर्वसनेस के साथ और विदाउट नर्वसनेस पेपर तो देना ही पड़ेगा ना, तो परफॉर्मेंस खराब करेगी नर्वसनेस, इसलिए नर्वस मत होइए, बिंदास अपना 100% दीजिए, जिंदगी जीने के तरीकों से जी जाती है, इसी तरह से पेपर भी एग्जाम देने के तरीकों से दिया जाता है जिसके अंदर नर्वसनेस नहीं आती है। तो यहां पे राइट आंसर तो आपने मुझे बता ही दिया कि लसोटा स्ट्रेन आ जाएगा। रक्षा क्लास की बात करूंगा तो यह भी आपको पता होगा, रक्षा क्लास जो वैक्सीन है यह किसके लिए है, हाँ बिल्कुल आप सही उत्तर लिख देंगे इसका भी, रक्षा क्लास की बात करूंगा, देखिए आंसर किसी ने लिख भी दिया है, किसके लिए, जो क्लासिकल स्वाइन फीवर है, क्लासिकल स्वाइन फीवर जो है उसके लिए रक्षा क्लास को यूज किया जाता है, वैष्णवी ने फिर से सबसे पहले बता दिया, और लसोटा जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, आपका रानी खेत के लिए यूज किया जाता है। सेशन कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा, नीचे कमेंट्स कीजिएगा, और अच्छा लगे तो थोड़ा बहुत लोगों के साथ शेयर भी कर दिया करो, वैसे कॉम्पिटिशन ज्यादा हो जाता है मुझे पता है, आप लोग समझदार हो गए हैं, बट इट्स ओके है ना, क्वेश्चन लेके फिर से आ जाएंगे। आप लोगों को मैंने एक पोस्ट डाला था जहां पूछा था कि नेक्स्ट लेक्चर आप किस पे चाहते हैं, तो वहां पे मुझे रिप्लाई मिले थे जहां पे मेजोरिटी जो है वो फॉरेस्ट्री, फिशरीज, इंजीनियरिंग ऐसे सब्जेक्ट्स पे जाना चाहती है, तो एक सेशन आपको मैराथन का इन माइनर सब्जेक्ट्स पे भी दे दिया जाएगा, लेकिन हाँ उसके लिए डेट नहीं बता सकता है, कल दूंगा या परसों, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि कल 26 है, बिकॉज कल 26 है तो नेशनल हॉलीडे है, आई डोंट नो
दे पाऊंगा कि नहीं, बट हाँ एक सेशन आपको उस पर भी दे देंगे, और बाकी आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पे तो हम दे ही रहे हैं, बट एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के टेलीग्राम चैनल पे हम डेली 60 क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं। 50 में पोस्ट कर चुका हूँ, चाहे तो चेक कर लेना। 20 सुबह डाले थे 1 बजे के आसपास, 10 डाले थे फिर 6 बजे, 20 फिर से डाल दिए, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 हमारे यहाँ पे आगे 70, और 10 क्वेश्चन रात तक और डाल दूंगा, 80 क्वेश्चन एक दिन के अंदर, है ना। लोग मुझे कभी कभी ऐसा लिख देते हैं, वैसे तो मुझे 100 लोग बहुत पॉजिटिव लिखते हैं और एक ही होता है जो ऐसा वैसा लिखता है, तो लोग कहते हैं बहुत प्रमोशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। भाई देखो 1 लाख लोग वहां होने वाले हैं, प्लस आप देखिए कोई है क्या जो 80 क्वेश्चन एक दिन में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे रहा हो, कोई पेड में देख के दिखाए। हम तो हर दिन 60 क्वेश्चन का टेस्ट एक पेड के अंदर दे रहे हैं, 80 क्वेश्चन फ्री के अंदर, तो बोले 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम डेली करवा रहे हैं। अगर 1 महीना हमारे साथ टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर लेना, तब भी सिलेक्शन हम कहीं नहीं जाने दे उसका। चलिए 1-2 मिनट के लिए आपका, हाँ है ना राहुल, आपको याद है क्या अनिल जी? 1-2 मिनट के लिए कमेंट्स पढ़ लेते हैं, कुछ अगर है मेरे लाइक बताने के लिए। यार टेस्ट अटैक की बातें मत कीजिए, आपने बोला था डबल ए ओ राजस्थान जनरल कॉन्टेक्ट करो, वहां किया तो वहां मना कर दिया है। कहाँ से बाय करें? डब्ल्यू की बुक से ही, रुक जाइए सर, मैं यूट्यूब पे इन्फॉर्म करूंगा जब पब्लिश करूंगा, तो फिलहाल पब्लिश नहीं हुई है, रुक जाइए। मशीनरी सब्सिडी का एक सेशन ऑलरेडी हो चुका, आपका नाम है पिनाकी प्रीतमन। भाई साहब आप, भाई साहब और बहन जी, आपको मैं सजेशन दूंगा कि अपडेट भी रहा करें यार, मैं पिछला लेक्चर सब्सिडीज पे ले चुका हूँ, एक बार देखिए आप उसे। प्लीज एक्सप्लेन अबाउट फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट। आपका नाम है जी शिव तेजा। शिव तेजा जी, फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, ये सिंपल डेटा है, डेटा को पढ़िए और पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। आपके व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर दीजिए, सेजल ऐसा कहती है। सेजल अगर तेरे को लगता है बेटा कि लाइफ में आगे जाना है तो व्हाट्सएप को छोड़ दे, मत यूज करिए व्हाट्सएप। पता नहीं कौन ग्रुप बनाते हैं, मैं तो नहीं बनाता हूँ व्हाट्सएप पे, सिर्फ टाइम पास होता है, मुझे वो करना नहीं है। बट आपके लिए एक सिंपल सा सजेशन है, आगे जाना हो ना तो ये छोड़ दीजिए व्हाट्सएप, मुझे नहीं लगता व्हाट्सएप काम की चीज है। शुभेंद्र जी गुड इवनिंग। मॉक टेस्ट कैसे परचेज करें? लता सैनी मैम ऐप डाउनलोड कीजिए हमारा प्ले स्टोर से एग्री कोचिंग चंडीगढ़, और वहां से टेस्ट सीरीज सेक्शन से ले लीजिए। विभोर जी कहते हैं इरिगेशन सिस्टम करा दो, विभोर जी डेफिनेटली करा दिए जाएंगे। काजल लिखते हैं पढ़ने से ही होगा, बिल्कुल आपने ठीक बोला। फिर कहा लास्ट मिनट नोट्स इज अवेलेबल फॉर पेड एएफओ प्री, नहीं एएफओ प्री के अंदर नहीं, सारे के सारे मेंस कोर्सेज और टेस्ट सीरीज जो है मेंस की उसके अंदर अवेलेबल होंगे। हाउ मेनी कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर मेंस? आई डोंट हैव एनी आइडिया सर, इवन आईबीपीएस विल नॉट रिलीज दिस डेटा, सो यहाँ वहाँ प्रिडिक्शन मत लीजिए फालतू। प्रिडिक्शन में लोग कहते हैं 40 से ऊपर कट ऑफ जाएगी, बाद में कहते हैं कि वो तो प्रिडिक्शन था, तो इन बातों में मत जाए, मैं तो नहीं बोलता हूँ बिना किसी फैक्ट के। हाउ मेनी कैंडिडेट, फिर से आपने वही लिख दिया सर। योर रिकमेंडेशन फॉर लास्ट 4 डेज, कोमल प्लीज चेक माई लेक्चर ऑन लास्ट 8 डेज स्ट्रेटेजी, वहाँ मैंने बताया हुआ है। राजस्थान की धरती से प्रणाम हेमंत जी, प्रणाम आपको भी। शिल्पा कहते हैं फॉरेस्ट इंक्रीज मैम मेरा पिछला वीडियो चेक करें ऑल स्कीम्स वाला, उसके फर्स्ट 10 मिनट्स के अंदर मैंने जो नई रीसेंट रिपोर्ट है उसको पढ़ाया है। बेसिक पेपर आएगा क्या? बिल्कुल सर, पेपर हर साल बेसिक ही आता है। मधुरिमा मैम थैंक यू सो मच। आदित्य जी कहते हैं एमएससी एंट्रेंस की बुक कब मिलेंगी सर? जनवरी में आप बोले थे सर, चल रहा है थोड़ा टाइम दीजिए सर, उसी पे वर्किंग है, लेकिन सब काम साथ साथ संभालने पड़ते हैं ना, जब पब्लिश होंगी तो हम इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन अभी वेट करना पड़ेगा। 499 मॉक टेस्ट में लास्ट मिनट नोट्स मिलेगा? यस बिल्कुल मिलेगा। करंट अफेयर्स बुक स्टिल अवेलेबल? हरिंदर जी ऑफ कोर्स इट इज अवेलेबल, चेक द प्रोसीजर ऑन टेलीग्राम। हाउ मेनी क्रॉप्स आर अंडर एमएसपी? 22+1 है सर, एक शुगर केन आया था एफआरपी और 22 क्रॉप्स आ जाती है। फिर बोला गया सर दिल घबरा रहा है, राधे श्याम जी का दिल घबरा रहा है। राधे श्याम जी घबराइए मत यार, आपके तो नाम में नहीं, राधे श्याम नहीं है आपका नेम, आपका नेम है रिदम, रिदम मेरे भाई और बहन है ना, क्यों घबरा रहा है इतना यार? घबराने से क्या होगा, रिवीजन कर ले 4 दिनों के अंदर, घबराहट कम हो जाएगी। ऑफलाइन बैच में पर मंथ कितना खर्चा आएगा? खर्चा अविनाश जी, खर्चा तो सर हमारी फीस होगी, वो तो पूरे साल की होती है, हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर लीजिए, वो आपको डिटेल दे देंगे। सर हिमाचल से हूँ, मुझे ईडीओ की तैयारी करनी है, 3rd ईयर में हूँ। तो राहुल चौधरी जी पहले तो आपको 4th ईयर पास करना पड़ेगा। अवेशा थैंक यू सो मच, अन्वेशा आचार्या थैंक यू सो मच मैम, दीज मैसेजेस आर मोटिवेशन फॉर अस। राहुल जी एक ही बार लिखे मैसेज को,
पढ़ने ठीक है, हाईएस्ट एरिया अंडर करंट अफेयर्स की बुक चेक कर लीजिए प्लीज़। लास्ट मिनट नोट्स कल दे देंगे, कल देंगे, बट मैसेज मत कीजिए। एमएससी बै फिर पता नहीं क्या बोल दिया। सर मैं राजस्थान से बीएससी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा। हेमंत जी थैंक यू सो मच। ओके ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फिर से आ जाएगा, दोबारा से हम भी आ जाएंगे आपके पास। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। होप सो ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।